नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दूरदर्शन। आपके साथ मैं हूं अंशु। बात करते हैं आगरा की। दो दिन के लॉकडाउन से व्यापारियों को हो रहा है भारी नुकसान। जी हां, दो दिन के लॉकडाउन पर व्यापारियों ने दी अपनी प्रतिक्रिया, जहां व्यापारियों ने कहा कि इस दो दिन के लॉकडाउन में उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर साप्ताहिक बंदी हो तब भी एक पल के लिए चल जाए, लेकिन दो दिन के इस लॉकडाउन में सरकारी कर्मचारियों को तो फायदा है, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे व्यापारियों को दिक्कतें होती हैं। इसलिए प्रशासन से मांग की कि इस दो दिन के लॉकडाउन की जगह एक दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए। आगरा से संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। एक तो माल आने जाने में हर चीज में समस्याएं बहुत है, इसलिए बाजार को जब तक नहीं पूर्ण तरह से खुलेगा तब तक जैसे पहले खुलता था, एक दिन की बंदी है, चलो साप्ताहिक बंदी है उसको हम मान्य करते हैं, लेकिन दो दिन की बाजार बंदी ये तो सरकारी लोगों को मान्य होती है लेकिन हम लोगों को नहीं होती है मान्य। कितना व्यापार का व्यापार में जैसे जहाँ पहले हम 7 दिन करते थे, अब 6 दिन कर लेते, लेकिन अब इस समय 5 दिन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है बाजार में। बाजार में तो फर्क है, डेली का व्यापार है, डेली चलता है, हम लोगों पर खाने पीने के आइटम है जो कि आदमी डेली लेता है, डेली करता है, महीने के हिसाब से हमारे यहाँ होता है कि 2 महीने 2.5 महीने की तारीखें होती हैं, उस हिसाब से हमें नकद देखना पड़ता है, उसी हिसाब से मंगाना पड़ता है, लेकिन बाजारों में बहुत दिक्कत आ चुकी है इस समय। अगर बाजार पूरी तरह खुलेगा तभी काम तरीके से चल पाएगा, नहीं तो तब तक तो समस्या रहेंगी ही रहेंगी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रशासन हमारे लिए सुरक्षा के लिए कुछ लॉकडाउन रख भी रहा है तो उसमें हमारी कुछ भलाई के लिए ही कुछ ना कुछ सोच रहा होगा वो, और हमें उसका इस फैसले का मान सम्मान करना चाहिए पूरा पूरा। अगर 2 दिन की सख्ती है तो इसलिए हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए। हो सकता है इससे हम संक्रमण से थोड़ा बहुत बच सकें और थोड़ी सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के अंदर साप्ताहिक 2 दिन के लॉकडाउन में छोटे वर्ग के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमने उनसे बात की तो उनकी आंखें नम दिखाई दी और उनकी आवाज़ में एक दर्द छुपा हुआ था। उनका यही कहना है कि सरकार के द्वारा जो सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसके चलते हमें काफ़ी नुकसान का सामना झेलना पड़ रहा है। छोटे वर्ग के दुकानदारों ने, व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वो हफ्ते के 2 दिन के लॉकडाउन को 1 दिन का कर दिया जाए, जिसके चलते उन लोगों को परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ दिव्य दूरदर्शन मोहसिन खान आगरा। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल दिव्य दूरदर्शन को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी खबरें समय से मिलती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।